ये हमारे पास आ गए हैं, सॉफ्ट फूड कहलाता है ये भुट्टा है हमारे पास सॉफ्ट फूड में। ये तकरीबन यूज होता है बजीज में और अपना अल्लाह भला करे उसमें लबड़ में डालने, पहले लबड़ के केज के अंदर। एक ये आ गया लबड़ के केज के अंदर आ गया, अब आएगा हमारे पास जावा के केज के अंदर। एक बाकी एक इसके केज में आ गया और एक उसके केज में रख दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता चलूं। पहली तो ये कि भाई सॉफ्ट फूड लाए थे, सॉफ्ट फूड में हमारे पास भुट्टा है, तो भुट्टे के पीसेस करते हैं और क्या कहते हैं, और बजीज के केज में सेपरेटली डालते हैं भुट्टे को। और जो दूसरा है हमारे पास वो ये है कि हमारी जो वाइट कलर वाली मुर्गी थी उसको हमने अंडों पर बिठाया था लास्ट व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसकी क्या सूरत हाल है, उसकी क्या कंडीशन है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं अपने सेटअप की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आज की अपडेट क्या है। ये हमारे पास आ गए हैं, सॉफ्ट फूड कहलाता है ये भुट्टा है हमारे पास सॉफ्ट फूड में। ये तकरीबन यूज होता है बजीज में और अपना अल्लाह भला करे उसमें लबड़ में, और दावा के लिए हम लोग ये स्पेशल लाए। ये क्या कहते हैं, ग्रोथ में जो है काफ़ी काम आता है, जो हमारे पास बजीज में पट्टे वगैरह निकले हुए हैं इनके लिए काफ़ी सेहतमंद है ये भुट्टा। और बाकी हमारे पास सॉफ्ट फूड में मौजूद है एज यूजल गंदम भिगोई हुई, ये भी रात में भिगो दी थी। हमारे पास 9 केजेज है, 9 केजेज है, 9 केजेज के हिसाब से हमने 9 पीसेस कर लिए हैं इनके। तो ये है कि इसको हम लोग अब केजेस के अंदर डालेंगे, सर आपको दिखाते हैं कि आप क्या क्या अपडेट है। डालने पहले लबड़ के केज के अंदर, एक ये आ गया लबड़ के केज के अंदर आ गया, अब आएगा हमारे पास जावा के केज के अंदर। एक जावा के केज के अंदर डाल दिया और बाकी फिंचेस के केज में नहीं डले हुए, ये फिंचेस नहीं खाती है। बाकी एक ये जोड़े केज में आ गया, एक ही तो अकेला है हमारे पास लबड़ इसके केज में, बाकी एक इसके केज में आ गया और एक उसके केज में रख दिया। बाकी एक इनके केज में रख दिया, एक इनके केज में रखा है हमने, और एक जोड़ा ये है इसके केज में भी डाल दिया। बाकी ये जो ये हमारे पास मादियाँ हैं इनको रैक पे छोड़ा हुआ है, एक इनके केज में डाल दिया। ये ज़्यादा हैं पट्टे तो इनके इनके केज में 2 आएंगे, वो देख सकते हैं वो अंदर 2 पड़े हुए खा चुके हैं लोग, इनके केजेस हमने 3 दिन पहले डाले थे माशाल्लाह, देख सकते हैं टोटली फिनिश कर दिया इन लोगों ने, इनके केज में आ गया। बाकी ये हैं इनके केज में 2 डाल दिए हमने, 2-3 डाल दिए इनके केज में। और दिखाता चलूँ एक या हमें एक और बहुत बड़ा नुकसान हो चुका, और बजी हमारा मर चुका, क्या कर सकते हैं आप, अल्लाह की जो मर्जी है। सॉफ्ट फूड जो है सबके केजेस में डाल चुके हैं और अब ये मुर्गी की अपडेट देते हैं कि इस मुर्गी की अपडेट है, ये अंडों पर बैठ चुकी है। बाकी ये है कि इसके जो हैं 3 अंडे जो हैं ख़राब हो चुके हैं। हम लोग ने नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये देखेंगे, हम ट्रेंडिंग करेंगे, देखेंगे कि अंडों के अंदर कुछ है या नहीं है। 3 अंडे इसने तोड़ दिए अपने, बाकी ये है कि बाकी जो अब बचे हैं वो 7 अंडे बचे हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी क्या मुर्गी का ट्रेंडिंग करेंगे और देखेंगे कि इनके अंडों में कुछ है या नहीं है, तो सारे अंडे ख़राब हो चुके हैं। जो लास्ट जो हमने वो वीडियो नहीं बना सका था, जो लास्ट हमने देखा था कि जो 3 अंडे टूटे हैं वो टोटली खाली निकले, 3 अंडे खाली निकले। तो अब ये है कि इंशाल्लाह कल कैंडलिंग करेंगे और देखते हैं कि सारे अंडे खाली हैं या ख़राब हो चुके हैं या उनके अंदर कुछ है। तो यही है कि फजूल हो जाएगा ना बिठाना मुर्गी को अंडों पर कि खाली अंडे हैं, या फिर हम 21 दिन का टाइम दें मुर्गी को। तो यही है कि
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ट्रेंडिंग करेंगे और देखेंगे। अभी तो सारे अंडों को रखेंगे। और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने इसके लिए घास भी रखी थी, तो ये है कि घास पे वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी मुर्गी सही तरीके से, तो घास हमने हटा दी थी। फिर अंडे ही रख दिए थे, तो अंडे रख दिए थे तो अंडों पे आराम से बैठ गई थी मुर्गी। तो यही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंडिंग करते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं अपडेट है। बाकी इस मुर्गी की अपडेट है कि ये मुर्गी भी सही है, अंडे वगैरह दे रही है रोज, और ये भी बीच में बीमार हो चुकी थी, इसको भी दवाई वगैरह दे रहे हैं रोज पानी में मिला के। और ये वाली मुर्गी जो है वो अंडों पे आ गई थी बीच में, थोड़ा को उल्टी वाली मुर्गी, अब माशाल्लाह से दोबारा अंडों पे आ चुकी है मुर्गी, देख सकते हैं बीच में अंडा भी दिया हुआ है। और इनके भी अंडे हम इस वाली मुर्गी के और काली वाली मुर्गी के अंडे हम लोग जमा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम दोबारा अंडों को दिखाएंगे। और इनके अंडे मैं दिखा तो चलूँ, काली वाली और ये वाइट वाली के अंडे जो हैं ये हम लोग यहाँ जमा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नंबरिंग करेंगे, फिर इसको जो है इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में दिखाते हैं इसके अंडों पर। और इसका जो है इन वाले इस वाले पेयर का ये है कि ब्लैक वाली मुर्गी माशाल्लाह तो बेहतर है, अंडे वगैरह दे रही है, और ये मुर्गा भी हमारा जो हीरा मुर्गा है ये भी माशाल्लाह फाइट है, ये भी इसमें लास्ट जो इसकी फाइट हुई थी बबलू से, इसके बाद जो है ये थोड़ा बीमार वगैरह भी हुआ था और उसके चोटें वगैरह भी लगी थी, तो ये है कि अब अलहमदिल्ला बेहतर है, देख सकते हैं आप ताज वगैरह थोड़ा इफेक्ट हुआ था, तो ये है कि अलहमदिल्ला बेहतर है ये मुर्गा भी। ये हमारे पास मुर्गियों का खाना आ चुका है, ये रात की भिगोई हुई रोटी है हमारे पास इसके अंदर, और 5 नंबर फीड है जो मेनली यूज होती है, ये हम डालेंगे मुर्गियों के केजेस के अंदर। ये मुर्गी बहुत शौक से खाती है तो फीड। अब जो है इनके केज में डालेंगे यही भिगोई हुई रोटी और 5 नंबर की। और चूजों के केज के अंदर भी हमने डाल दी है, देख सकते हैं चूजों के केज के अंदर भी हमने डाल दी है, और ये ब्लैक वाली मुर्गी केज के अंदर भी हमने डाल दी है। उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।